वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज है 9 नवंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रास्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी सही होगा। तो रास्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें बच्चों और वयस्कों के लिए 100 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और विभिन्न शैलियों में लिखी हैं। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये पुरस्कार भारत में लेखन और साहित्य में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान को पहचानता है और उसी के लिए ये अवार्ड दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नवंबर, ऑप्शन सी सही होगा। तो हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है और ये जो दिवस है सन 1895 में विल्हेम एंट्रेंस द्वारा एक्स विकिरण की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है। और इस दिन का उद्देश्य रेडियोग्राफिक इमेजिंग और थेरेपी के बारे में लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है, जो कि निदान और रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण विकिरण को कम से कम करने के इसमें प्रयास करने की बात की जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर वर्ष 2020 को आभासी रूप से यानी कि वर्चुअली आयोजित होने वाले SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे और ये जो आभासी प्रारूप में होने वाला पहला SCO शिखर सम्मेलन होगा और ये तीसरी बैठक है जिसमें भारत पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में 2000 IPL रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड क्रिकेटर कौन बने हैं? अनकैप्ड क्रिकेटर का मतलब होता है भारतीय क्रिकेट टीम में उनको कैप नहीं मिली है, जगह नहीं मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकुमार यादव, ऑप्शन बी सही होगा। तो सूर्यकुमार यादव 100 IPL मैचों में हिस्सा लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण से पहले लीग में 2000 IPL रन बनाए हैं, यानी कि IPL में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, 2000 रन बना चुके हैं लेकिन अभी उनको भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है और इसी का मतलब होता है अनकैप्ड क्रिकेटर, ठीक है। अनकैप्ड क्रिकेटर का क्या मतलब है, उनको टीम में जगह नहीं मिली है। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं और MI के क्वालिफायर 1 मैच में दिल्ली के खिलाफ जो उन्होंने रन बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये उनको उपलब्धि मिली है। MI के बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किए बिना 100 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। सूर्यकुमार यादव ने 450 रन बनाने वाले 8 खिलाड़ियों में से एक हैं, जो कि इस IPL की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सूर्यकुमार यादव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में जैकिंडा आर्डन किस देश के लिए दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? आंसर होगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन ए सही होगा। तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन ने 6 नवंबर को, ठीक है, 6 नवंबर को दूसरी बार कार्यकाल जीता है और करिश्माई नेताएं और उनके मंत्रियों ने वेलिंगटन के गवर्नमेंट हाउस में एक समारोह के दौरान अंग्रेजी और माओरी भाषा में पद की शपथ ली है। 2017 के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के रूप में काम किया है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में वायु गुणवत्ता आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा MM कुट्टी, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉक्टर MM कुट्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नए स्थापित आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और अरविंद नौटियाल को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य और रमेश KG जो कि पूर्व DG और IMD रहे हैं, IIT दिल्ली की प्रोफेसर रहे हैं, मुकेश खरे को तत्कालिक तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो नया आयोग बना है वायु गुणवत्ता आयोग, जिसका मुख्य कार्य है वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के प्रयासों के तहत काम करना,
तो उनके नए अध्यक्ष बने हैं M.M. कुट्टी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वैतरणी लघु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ओडिशा, ऑप्शन डी सही होगा। तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के आदिवासी बहुल जिले किंजर जिले में सिंगनाली में 24 मेगावाट, ठीक है, 24 मेगावाट की वैतरणी लघु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। ये जल विद्युत परियोजना हरित और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक मील का पत्थर है जो ओडिशा को पर्यावरणीय परिवर्तन से निपटने में मदद करेगी। हैदराबाद में स्थित वैतरणी जल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशंस का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप, ऑप्शन ए सही होगा। तो AAI यानी कि अडानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निजी कंपनी, ठीक है, अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसका जो है कार्यान्वयन सौंपने की मंजूरी दी है। इससे पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI ने लखनऊ हवाई अड्डे और मंगलुरु हवाई अड्डे को भी अडानी समूह को 50 वर्षों के लिए सौंपा है, ठीक है, और इसकी बहुत ही जल्द कार्रवाई और परिचालन शुरू होने की भी उम्मीद है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने H-1B वीज़ा की सीमा को बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी सही होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति पद लेने के बाद जो बाइडेन ने H-1B सहित हाई स्किल्स वीज़ा को बढ़ाने और देश द्वारा रोजगार आधारित वीज़ा को समाप्त करने की जो है योजना बनाई है, इसमें निवर्तमान जो ट्रंप प्रशासन है उसकी कुछ आव्रजन नीतियों से प्रभावित हजारों भारतीय पेशेवरों को इसमें लाभ होगा। बाइडेन प्रशासन उच्च स्तर के प्रवासियों का समर्थन करने के लिए एक नया वीज़ा श्रेणी बनाने की योजना बना रहा है, ठीक है, तो इसकी जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कमला हैरिस किस देश की उपराष्ट्रपति बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन डी सही होगा। तो कमला हैरिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है। वो कैलिफोर्निया की पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं और अब पहली अश्वेत महिला और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। उनकी माँ भारत से ही हैं और संयुक्त राज्य में राष्ट्रीय कार्यालय का संचालन करने वाली पहली भारतीय मूल की व्यक्ति भी बन गई हैं, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति पद पर अभी भी अमेरिकी महिला का इंतजार है, राइट। चलिए यहाँ पर देखते हैं कल की कुछ का आंसर, कल आपसे पूछा गया था नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हर्षवर्धन कुमार सुना, और दूसरा क्वेश्चन था दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1803 से 5 के बीच हुआ। यहाँ पर आज का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, हाल ही में सुपर टाइफून गोनी किस देश के तट पर टकराया है? चार ऑप्शन दिए गए, आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है GS का, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? चार ऑप्शन है, आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।